बस मैं चाह रहा हूँ कि सीओडी मुझे मिल जाए, एक एडवांस लेवल का, न्यू जनरेशन का, न्यू एक नया है सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, तो वो मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके हिसाब से लोकेशन तो सही पहुँचा हूँ मैं, नियर वॉक एंड वुड्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके सामने कुछ और ही दिखाई दे रहा है ये। टोटल अभी जो मेरा है सब कुछ मिला के, जो मैंने तुम्हारे एग्रीमेंट्स रखे हैं, तो अभी इसका प्राइस लगभग अप्रॉक्स 4.5 लाख। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन दोस्तों को जैसा है, आज मैं जा रहा हूँ प्रभात बिश्नोई के घर, यानी कि वो एक गेमर आर्टिस्ट है, गेमिंग खेलने का शौक है। मुझे मिले थे मुझे मेरे पापा के रिटायरमेंट पे पीलीभीत में, क्योंकि उसके फादर का भी रिटायरमेंट उस टाइम उसी दिन था जब मेरे फादर का रिटायरमेंट था, तो उस टाइम दोनों ही सेम पोस्ट के जितने भी सब इंस्पेक्टर थे तो सभी साथ एक साथ रिटायर हो रहे थे, तो वहाँ पर उस टाइम प्रोग्राम में वो मुझे मिले थे। मैं जब ब्लॉगिंग कर रहा था वहाँ पर, और मुझे मिले और उनसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी एक गेमिंग आर्टिस्ट हूँ, एक तरीके से एक वीडियो क्रिएटर हूँ, तो उनसे बात हुई तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो यार मेरे से बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्सपीरियंस मिला वहाँ पर, उनसे बात करके अच्छा लगा। और उनको जब मैंने जब गेम देखा ना, फुक्का, एक फुक्का चैनल है उनके नाम का, फुक्का फुक्का नाम से, PUHKKA, तो जब मैंने देखा उनका तो भाई वो ऐसे गेम खेलना, मतलब गेम तो खेलना है, साथ में कॉमेडी भी चल रही है, कॉमेडी ऐसी चल रही है कि मतलब गाली गलौच ऐसे चल रही है, मैंने कहा यार ये क्या लेवल का है, गेम खेलते नहीं लेकिन गाली गलौच कौन करता है। लेकिन गाली गलौचों का ऐसा, यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज का, उसका तो ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बड़े बड़े चैनल जो ऐसे राउंड टू हेल है, और उनमें तो खुल के गालियाँ ऐसी चलती हैं कि यूट्यूब अब सपोर्ट कर रहा है, भाई यार गाली दो, खुल के दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आओ अपनी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो वैसे ही वो मुझे लगा। तो आज मैं उनके यहाँ सेटअप देखने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनका गेमिंग सेटअप देखूँगा कि कैसा है, और क्योंकि बचपन में हम जो गेम खेलते थे छोटों में, कि वो तो वैसे थे बटन वाले थे, ऐसे टक 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 हैंडल था उनका, जॉयस्टिक ऐसे बड़ा बड़ा, तो वो खेलते थे घुमाते थे, वो मज़ा आता था, लेकिन मैं वैसा देखता हूँ गेमिंग सेटअप कैसा है। वैसे मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी शौक है गेम का, मैं अपने लैपटॉप में खेलता हूँ कभी कभी, तो लेकिन उनका जो रियल एक सेटअप है पूरा उन्होंने बना रखा, उन्होंने पता नहीं कितने लाख का बोला है मुझे, 1 लाख का, 2-3 लाख का, पता नहीं कितने का बोला था वो, भाई मैंने कहा इतना महंगा भी होता है गेम सेटअप। वैसे यूट्यूब में बड़े बड़े जो गेमिंग आर्टिस्ट होते हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका वो बता रहे हैं इस चीज़ का मुझे, तो देखते हैं लेट्स सी कैसा है, और उनसे पूछते हैं उनकी गेमिंग का जो सेटअप है कीमत, उसका प्राइस कितना है, और कैसे खेलते हैं, और मैं भी खेलता हूँ उनके साथ, देखते हैं कैसा होता है, मैं भी साथ में चलते हैं, उनसे बात करते हैं और मिलते हैं, उनका गेमिंग सेटअप आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसा है। और साथ में मैं ले जाता हूँ अपना बैग, ये मेरा बैग है सोनी का, सोनी का कैमरा नहीं है लेकिन बैग है मेरा सोनी का, और साथ में मेरा ये ट्राईपॉड जाएगा मेरे साथ, और साथ में जो बैग के अंदर जो पहले से था ये सामान, वो मैंने अलग से निकाल दिया क्योंकि इसे ले जाना बेकार है, वेस्ट है, वेट ही बढ़ाएगा ये। साथ में मेरा गोप्रो, इसे मैं माउंट करके ले आऊँगा अपने हेलमेट में। ये बैग मैं इसलिए भी ले आ रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने अपना लैपटॉप रख रखा है, यहाँ पर अभी चेन भी नहीं लगाई है मैंने इसकी, इसमें कि इसलिए भी ले आ रहा हूँ मैं क्योंकि उनके पास कुछ गेम्स हैं, कुछ वो कह रहे थे कि गेम्स हैं मेरे पास, तो मैंने कहा कि गेम रख लूँगा यार, ले लूँगा उनसे अच्छे जो होंगे, GTA 5, कुछ और भी एडवांस गेम होंगे, या मैं चाह रहा हूँ कि COD मुझे मिल जाए, एक एडवांस लेवल का, न्यू जनरेशन का, न्यू एक नया है COD कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, तो वो मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा वो। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं, आते हैं प्रभात भाई, आपसे मिलते हैं अब। ओ तेरी का, जय हो, हर हर महादेव, जय केदार बाबा। यार वो एड्रेस क्या था, वॉक इन वुड्स नियर आस्था कुंज, देखना पड़ेगा एक बार, ध्यान कर लेता हूँ मैं ज़रा। गंगा कुंज, नियर वॉक इन वुड्स गंगा कुंज अपार्टमेंट 8202। ओके, तो हमें जाना पड़ेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन रायपुर की तरफ से चलता हूँ, रायपुर रोड से चलता हूँ, वहाँ से ठीक है, कोई रश भी नहीं है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है। तो यहाँ पर किसने अकेडमी खोल दी है क्रिकेट की, वेरी गुड, सही है, कॉलोनी में किसी ने, तो आइए क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन करिए, खेलिए और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, IPL में खेलें। गाड़ी बंद करते हैं भाई, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। 5 4 3 2 1 गो। चल भाई क्रेटा, क्रेटा 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 क्रेटा। एड्रेस के हिसाब से लोकेशन तो सही पहुँचा हूँ मैं, गंगा कुंज अपार्टमेंट, ये पर ये है सामने, पर नियर वॉक एंड वुड्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके सामने कुछ और ही दिखाई दे रहा है ये। ग्रॉसरी वाइन वॉफ है ये, अरे वॉक इन वुड्स की जगह वाइन वॉफ तो नहीं कह रहा था कहीं, वो जगह भाई यहाँ पर आ चुका है, सही लोकेशन पर आया हूँ मैं, वैसे
नहीं नहीं इधर जा रहा हूँ भाई। हेलो प्रभात भाई, कैसे हो? वॉक इन वुड्स तो नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ और ही दिख रहा था मुझे वहाँ पर। सफाई कब से करा रहे थे? सुबह से जल्दी थी क्या? कुछ ज्यादा ही तगड़ी सफाई, कुछ ज्यादा ही काम फैला हुआ था। इंटरनेट भी लगवाया आज। अच्छा, इस साल तो मतलब इस 3 महीने में तो मैंने लगभग नहीं मार दिए होंगे, कम से कम 50,000 किलोमीटर भाग दिए होंगे। 50,000, क्योंकि 1 महीने में कम से कम 6 चक्कर तो मुंबई के लगे। असली ब्लॉगर तो तुम है भाई साहब, ट्रैवल ब्लॉगर खासकर। ओके, तो हेलमेट तो निकाला नहीं मैंने, गोप्रो से शूट हो रहा है। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो ये कितने BHK का फ्लैट है? पूरा 3 BHK। ये बैठक हो गया, बेडरूम, ये फर्स्ट। अच्छा, ये है वो सेटअप जहाँ पर पूरी तबाही मचाते हैं फुक्का भाई हैं। गजब। आ चुका हूँ फुक्का भाई के घर, यानी कि प्रभात बिश्नोई जी के घर पे, जो कि उनका यहाँ पर ये फ्लैट है, उन्होंने ले रखा है यहाँ पर रेंट पे। और रेंट यहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरदारा कॉलोनी है, जो सरदारा एरिया है, वो खुद में ही बहुत एक VIP एरिया है, तो इसलिए यहाँ के पैसे भी बहुत ही ज़्यादा हैं भाई रेंट के। यहाँ पर मैं दिखाऊँ कि आपको कि यहाँ पर इनका ये पूरा ये सेटअप है, पूरा गेमिंग सेटअप है। इसके बारे में बताइए कि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई सर इसे। भैया हमारा पूरा गेमिंग सेटअप है। हाँ, और ये डुअल मॉनिटर सेटअप है। अच्छा, ये ऊपर एक दो है, वो दो है, एक ही CPU से। हाँ, ये दोनों मॉनिटर कवर मतलब चल जाते हैं। आप मैं पहले जब शुरुआत में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी, हाँ, तो मैं एक सिंगल मॉनिटर पे खेलता था। अच्छा, और जो दूसरे यूट्यूबर्स को मैं देखता था, वो लोग डबल मॉनिटर से खेलते थे। मुझे पता नहीं था कि एक CPU से दोनों मॉनिटर कवर हो जाते हैं। अपने इस गेम में कितने घंटे मैक्सिमम कितने घंटे आपने खेला गेम कंटिन्यू, ये बताओ। ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार पूछो। एक बार अगर बैठ गए चेयर पे, सिस्टम पे अगर बैठ गए, तो कितनी घंटे लगातार खेला है? मैंने मैक्स 48 घंटे लगातार, वो भी लाइव स्ट्रीम 48 घंटे। मतलब वो ऐसा था, यूट्यूब पे आपको मिलेगी नहीं, लिखी हुई दिख जाएगी, क्योंकि यूट्यूब 12 घंटे से ऊपर अपलोड देता नहीं है। तो मैं जैसे ही जॉब से आता था 2 बजे, मैं 2 बजे खाना जो खाता था, लंच जो करता था अपना, 2 बजे मैं अपने कंप्यूटर पे लाइव स्ट्रीम पहले ही करके, और 2 बजे यहीं पे मेरा खाना रहता था, यहाँ मैं कंप्यूटर पे खेलता रहता था, खाता रहता था। तो 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लाइव स्ट्रीम करता था। गजब। पहले ही करके, और 2 बजे यहीं पे मेरा खाना रहता था, यहाँ मैं कंप्यूटर पे खेलता रहता था, खाता रहता था। तो 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लाइव स्ट्रीम करता था। गजब। लेकिन इतना क्रेजी इस चीज के लिए बैंक वाई किसी को देगा नहीं, सबका एडिक्शन है। आपका भी अगर आप चाहते हैं 1 घंटे से पहले उठ नहीं सकते आप। अच्छा, तो आप लोग जो आपके व्यूअर्स हैं वो देखेंगे तो ईयरफोन लगा के देखना। हाँ, मैं वही कह रहा था, मैं सुबह जब बात करते आ रहा था, मैंने कहा लेकिन उनके साथ गाली गलौज ऐसी रहती है भाई, कॉमेडी वाली। अब GTA में खेल रहा हूं, तो दैट मींस कि GTA जो है वो 18 प्लस गेम तो ऑलरेडी है। उसमें अगर आप वैसे देखोगे तो आपको और वल्गैरिटी दिखाई देगी। अच्छा, बहुत ज्यादा गालियां इतनी गंदी गंदी इंग्लिश में होती है। अच्छा, बस वो हमको पता नहीं है। तो वो लोग गाली यूज करते हैं, उनके एक्सेंट ना देसी जमीन पे छुए हुए, जैसे आपको हर गाँव में दिखाई देने को मिल जाएगा। गाँव में कोई शरीफ नहीं होता, आपको पता है बाहर निकलते 2-4 गाली देने वाले मिल जाते हैं। ये जो सेटअप है पूरा, इसका प्राइस कितना है ये बताओ? मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं एक गेमिंग आर्टिस्ट से मिला हूँ और उसका सेटअप कैसा है और कितना तगड़ा उसने बना रखा है। मैं बताता हूँ, जब मैं स्टार्ट में लिया था, ये स्टार्टिंग मतलब इकट्ठा नहीं आया, सब में अच्छा, अलग अलग इक्विपमेंट मैंने बाद में लिए, कुछ खराब भी हो गए, कुछ पुराने थे फिर मैंने ले लिए। जैसे पहले मेरे पास दूसरा माइक था, अभी एक माइक है, ये R800 नाम, मतलब इसका अच्छा माइक। अच्छा, गेमिंग से ही रिलेटेड है ये माइक? सब गेमिंग से रिलेटेड है, अच्छी आवाज भी आएगी, तो सामने वालों को भी हम लोग खेल रहे हैं RP वगैरह GTA में। और जैसे ये चीज है, ये आपकी हर 6 महीने में देखो दिखा रही है खराब। अच्छा, ये होता है ना, हर 6 महीने में खराब होती है, 4-5 लाख से अप्रोक्स ही आती है। अच्छा, तो लगभग जब मैंने नया अपना गेमिंग सेटअप लिया था, तो मेरे पास एक स्क्रीन थी छोटी वाली, और बाकी ये सामान था अंदर, इसमें 16 GB की एक रैम ली हुई थी, एक मैंने एक्स्ट्रा रैम ली, और ग्राफिक कार्ड मेरा पहले का काम कर रहा है, अच्छा है काफी। तो ये लगभग उस टाइम में मेरा 1,30,40,50,000 के आसपास था उस टाइम, 2019 में 1,50,000 के आसपास था, 1.5 लाख के आसपास था। उसके बाद फिर मैंने 2 स्क्रीन ये बाद में मैंने खरीदी है, सिंस ये 15,000 की एक थी, और मतलब टोटल अभी जो मेरा है सब कुछ मिला के, जो मैंने दोबारा इक्विपमेंट्स कलेक्ट किए हैं, तो अभी इसका प्राइस लगभग अप्रॉक्स 4.5 लाख।
केवल इक्विपमेंट्स का, मतलब ये मत जोड़ो ये। अच्छा, केवल 4.5 लाख हो चुका है। ऐसा दीवानापन, 4.5 लाख रुपए। ना ना, वो देखो वो मैंने खर्च नहीं किया, मैंने यूट्यूब से कमाया भाई, वही कमाई चला दी। मतलब YouTube से कमाई, YouTube कर दिया। मतलब अच्छा है, बहुत रिस्पांस अच्छा है YouTube के, जितने भी YouTube में एकदम गेमिंग का काफी चल गया ना, काफी मतलब ब्लॉगिंग से ज्यादा लोगों के पास ना गेमिंग से ही बहुत सब्सक्राइबर, एक व्यूअर्स ऐसे हैं लोग, उनकी मतलब फैमिली बनी हुई है बहुत तगड़ी। अच्छा, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद। अच्छा, स्टार्ट हो गया गेम ये यहां से? हां, ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ। ऑफलाइन, ओके, ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ। ये चल रहा बंदा, ये बंदा इसका नाम माइकल है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ तीन आदमी है, ये तीन लोग हैं जो इस गेम को कवर करते हैं। जीटीए में ये है कि तीन जिंदगी चलती है जीटीए में, एक तो माइकल की, और एक ये देखो, ये फ्रैंकलिन है। अच्छा अच्छा, नाम आ रहे हैं उसके। हाँ, और ये सबसे खतरनाक लौंडा ये। अच्छा, मार दिया, मार दिया, मरने वाला। ये आपका, ये आपके साथ ही है, ब्लू है ना, उसने मार दिया शायद अंदर लोगों को। अरे वाला, दूसरा लगा, पता नहीं कौन सा लग गया। ये टीवी लगा, दूसरा लगा, कार वाला लगाओ, कार वाला। वैसे ही रिमोट का काम होगा नहीं ना? ना 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 ना, अब चलाओ चलाओ, यस गो, ये वो ब्रो, जो तुम्हें बूस्ट मिल गया। चलो चलो, दो लैब लगे वो पीछे लगे एक्स्ट्रा, पता है? ओ भाई, अभी हाथ सेट नहीं ना आपका। ये क्या है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? ये तेज स्पीड है, स्पीड बूस्टर्स। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पांचवे नंबर पे हो आप, कोई नॉट बैड, पांच ही लोग खेल रहे हैं वैसे। लास्ट टाइम, ओह यस 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 यस, शिबी डब डब डब, यस यस यस। इसके भी से निकालूंगा इसके। कोई नहीं, कोई नहीं, हां अगली बार निकालना, अभी तो 10 टाइम आपको कभी और चांस मिलेंगे। चलो चलो, आहा, एक के पीछे तो आया। ये निकले भाई, निकले भाई। अच्छा, स्पीड का वो स्पीड बूस्टर है। तो फुक्का भाई का गेम तो मुझे भाई आउट ऑफ माइंड लगा मुझे। जो ये था GTA 5, ये मुझे लग रहा था कि बहुत इजी होगा सिंपल चलाने के, जैसा मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, मैं खेलता हूँ अभी भी, लेकिन वो बहुत मुझे इजी लगता है। लेकिन इसमें तो काफ़ी कुछ अलग है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, भाग रहा है, कपड़े पहन रहा है, ये चल रहा है, वो मार रहा है, उसको पकड़ रहा है, छीन रहा है, तो बड़ा मुझे अजीब लग रहा था। खासकर कार तो मुझे चलाना बहुत ही मुश्किल हो रही थी, कार चलाने में जैसे मैं बहुत ही भयंकर हो रहा था। इसका समझना नहीं है कि प्रैक्टिस चाहिए इसमें, लगा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो बेल वाला आइकन वाला बटन होता है लाल रंग का, उसको मतलब दबाओ। तो एकदम से बड़े गौर, दो तीन बार नहीं दबाना, एक ही बार दबाना, क्योंकि दोबारा दबाओगे तो फिर सारा मतलब बाजे वाले वाले हो ना, बाजे बच्चे देखिए, बाजे करके सेट करता था।